अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार से बच्चों के मोस्ट फेवरेट जिंगर बर्गर बनाते हैं, और वो भी टू सॉसेस के साथ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने थाई पीस लिए हैं, मेरे पास चार थाई पीस हैं, बोनलेस करवा लिया था इनको। और इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और इसमें 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे साबुत धनिया का पाउडर, और इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, और 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर। और मेरे पास लेमन है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, इसको कोट कर लेंगे अच्छे से। और इसको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। और मैंने कुछ वेजिटेबल्स दी हैं, एक मेरे पास गाजर है और 2 खीरे हैं, इसको हम काट लेते हैं। इसको मैंने काट दिया है, थोड़ा बारीक साइज़ में से काटना है। हम इसको काट के इसे तकरीबन मैंने 1/2 कप विनीगर के ऐड किए हैं, और 1/2 कप पानी। इसको अच्छे से डिप कर दें ताकि हमारी वेजेस जो हैं वो इसमें डिप हो जाए अच्छे से। और अब सॉस तैयार करते हैं। मैंने 1/2 कप मेयोनीज ली है, ये पहली सॉस है हमारी, और इसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, और 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर। और बस इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। और ये बड़ी मज़ेदार सी मेरी पहली सॉस रेडी हो गई है। और तकरीबन इन वेजिटेबल्स को मैंने 1 घंटा भिगो के रखा था, आप इसको ज़्यादा देर भी भिगो सकते हैं। इसको निकाल लेंगे, और कुछ मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं लूँगी ऑलिव्स के। बस इसको हम चॉप कर लेंगे सबको, बड़े अच्छे से चॉप कर लिया है। और इसमें मैं 1/2 कप मेयोनीज़ ऐड करूँगी, और 1 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉल्ट, मेरे पास सराचा है आप जो मर्ज़ी ले लें, और 1 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें पेपरिका के ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी सी। ये बड़ी मज़ेदार सी मेरी दूसरी सॉस रेडी हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि ये वेजिटेबल के पानी की वजह से ये थिन है, तो आप इसको फ्रिज में रख दें, ये सेट हो जाएगी। अब मैंने 4 कप पानी के लिए हैं, और इसमें तकरीबन 1/2 कप मैं दही डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 किलो मैदा लिया है, प्लेन फ्लावर, इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून इसमें वाइट पेपर, 1 चिकन पाउडर का साशे लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें होगा, और 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, और 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर। 2 से 3 टेबल स्पून हम कॉर्न स्टार्च के ऐड करेंगे जो हम सूप में डालते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जब इसको रेडी कर लेना है, तो हाफ आपने एक बाउल में निकाल लेना है, जितने आपके पीसीज हों, आप तो जितने पीसीस का जिंगर बनाना है आप उतना मैदा ले लें, और बाकी को निकाल लें, क्योंकि वो बाद में उसकी में गुठलियाँ बन जाती हैं, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम बाद में भी दूसरे पीसेस पे भी लगा सकते हैं, इसलिए मेरे 4 जो थाइज़ हैं उसके लिए इतना इनफ होगा, जितना मैंने इसको हाफ जो है वो निकाल लिया है। बाकी जो मैं बाद में दूसरे पीसेस पे भी लगा सकती हूँ। बस इसको अब हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये
टूट जाएगी। थाई आपको पता है वैसे ही सॉफ्ट होती है, और इसको 3 से 4 सेकंड के लिए बस पानी में डिप करेंगे, दही के पानी में, और इसको ऊपर अच्छे से प्लेन फ्लावर डाल देंगे। और इसको प्रेस करते जाएंगे, और ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे रख दें इसको गर्म होने के लिए। देखें क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं, बस इसके ऊपर डालते जाएं और हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं। ये देखिए मैंने आपको ये दिखाना था, ये गुठलियाँ बन गई हैं। अब तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, आप इसको परिंदों को डाल दें, जो है वो गर्म हो गए। बहुत ज़्यादा हीट नहीं आनी चाहिए, लेकिन अच्छी वाली हीट आनी चाहिए। अभी मैंने इसको पीसेस को डाला है, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म है, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाएगा। आपने इसको मीडियम पे ही पकाना है, लो पे नहीं पकाना, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि इसके जो क्रम्स हैं वो टूट जाएंगे। इसको हम 5 से 7 मिनट बाद टर्न करेंगे। ये देखें तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट दे दिए, अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। इसी तरह तकरीबन 7 से 8 मिनट हम दूसरी साइड पर पकाएंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये जूसी नहीं बनेंगे और अंदर से सख्त हो जाएंगे। ये देखें हमारे जो है इस वक्त डन हो गए हैं, इसका कलर बड़ा अच्छा आ गया है, लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप समझे डन है। ये देखें मैंने बिल्कुल डन हो गया है जिंगर। अब मैंने चेडर चीज़ ली थी 1/2 कप, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, तो गरम गरम के ऊपर मैं पीसीस के ऊपर इसको डाल दूँगी। ये बड़े हमारे चीज़ी चीज़ी से जो है वो जिंगर रेडी हो जाएंगे। बस इसको गर्म पे इसको डाल के तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और बर्गर जो है उसका जो लोअर पार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया है, हल्का सा ऑयल लगा के। अब मैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट सॉस जो है जो मैंने वेजिटेबल के साथ रेडी की थी वो 2-2 टेबलस्पून ऐड करती जाऊंगी। आपको जितना दिल करे आप कर लें। और थोड़ी सी मेरे पास कैबेज है बड़ी बारीक, मैंने उसकी कटिंग की हुई है, उसको डाल दें। आप आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर मैं अपना जो चीज़ी चीज़ी जिंगर है उसको रख दूँगी। अब फिर थोड़ा थोड़ा से हम इसके ऊपर अपनी कैबेज को डाल देते हैं, और जो मैंने दूसरी मस्टर्ड पेस्ट की तैयार की थी सॉस इसको हम अच्छे से डाल देंगे। इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है, आपका जितना दिल करे आप डाल दें। और इसको हम इसका अपर पार्ट जो है बर्गर का रख देंगे। मैंने साथ फ्राइज भी रेडी कर लिए हैं, बच्चों के लिए मज़ेदार सी एक डिश रेडी है। थोड़ी सी मैंने लेफ्ट छोड़ दी थी चीज़, इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी गर्म गर्म फ्राइज़ के ऊपर, और थोड़ी सी हम मस्टर्ड सॉस डाल देंगे। और ये मेरे ज़बरदस्त से मज़ेदार से 2 सॉसेस के साथ जिंगर बर्गर रेडी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स देकर बताइएगा आपको कैसे लगे। और दुआओं में याद रखिएगा, फिर आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। ओके, हाँ, अल्लाह हाफिज़।